नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं गरिमा भारती। आज 10 जुलाई है, यानी कि आज से ही बिहार के कई जिलों में दोबारा से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत अधिक बढ़ गए हैं। लेकिन आज ही अच्छी खबर भी आई कि 450 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हुए, जिसके बाद रिकवर्ड पेशेंट्स का आंकड़ा 10,000 से अधिक हो गया है, जो कि बेहद ही खुशी की बात है। आज 10 जुलाई है और हम आपको बिहार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड बताने जा रहे हैं। विस्तार से बताएंगे कि बिहार के 3800 जिलों में कोरोना को लेकर क्या हाल चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बिहार का कोरोना अपडेट शॉर्ट में बताते हैं। अब तक 14,330 कंफर्म्ड केसेस पूरे बिहार से सामने आ चुके हैं। 111 लोगों की इनमें से मौत हो चुकी है। 10,251 उन लोगों के आंकड़े हैं जिन्होंने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 3,968 एक्टिव केसेस अभी भी बिहार में है। शुरुआत पटना जिले से करेंगे। पटना जिले में अब तक कोरोना के 1,558 कन्फर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं, जो पूरे बिहार में सबसे अधिक है। 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पटना में मौत का आंकड़ा भी और जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 802 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। भागलपुर जिले की बात की जाए तो 840 कन्फर्म्ड केसेस के साथ है भागलपुर जिला दूसरे नंबर पर है कोरोना के कन्फर्म्ड मामलों के नंबर पर। 8 लोगों की मौत हुई है और 538 लोग अब तक ठीक हुए हैं। बेगूसराय की बात की जाए तो 639 कंफर्म्ड मामले बेगूसराय जिले से अब तक आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है और 472 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो 601 कंफर्म्ड मामले मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के अब तक आ चुके हैं। 5 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है और 380 लोग अब तक स्वस्थ हो पाए हैं। मधुबनी जिले की बात की जाए तो 576 कंफर्म केसेस मधुबनी जिले से अब तक आ चुके हैं। 2 की मौत हुई है और 431 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। सिवान जिले से कोरोना के 547 कंफर्म केसेस आए, 5 की मौत हुई और 416 लोग अब तक ठीक हुए हैं। मुंगेर जिले की बात की जाए तो 502 लोग मुंगेर जिले में अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1 की मौत हुई है और 350 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। नालंदा की बात की जाए तो 444 कंफर्म केसेस नालंदा जिले में है, 5 लोगों की मौत हुई है और 243 लोग अब तक ठीक हुए हैं। नवादा जिले से कोरोना के 415 कंफर्म्ड मामले आए हैं, 3 लोगों की मौत अब तक हुई है और 308 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। समस्तीपुर जिले से 412 कंफर्म्ड केसेस आए, 7 लोगों की मौत अब तक हुई है और 343 लोग रिकवर हो पाए हैं। रोहतास जिले से कोरोना के 412 मामले ही आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है और 339 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। दरभंगा जिले से कोरोना के 401 मामले हैं, 7 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है और 298 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। खगड़िया जिले से कोरोना के 399 मामले आए, 3 लोगों की मौत हुई है और 301 पॉजिटिव मरीज अब तक ठीक हो पाए हैं। गोपालगंज से 396 कंफर्म मामले आए, 268 लोग अब तक ठीक हुए हैं। कटिहार से कोरोना के 393 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 333 लोग ठीक हुए हैं। पूर्णिया जिले की अगर बात की जाए तो 345 कंफर्म मामले पूर्णिया जिले से अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 287 लोग ठीक हुए हैं। सुपौल की बात करें तो यहां भी 345 मामले हैं, ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 290 है। पश्चिमी चंपारण से कोरोना के 334 मामले आए, 3 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 224 है। गया जिले से कोरोना के 332 मामले आए, 3 की मौत यहां भी हुई है और 223 लोग अब तक ठीक हो पाए हैं। वैशाली जिले से कोरोना के 323 मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 199 है। पूर्वी चंपारण से कोरोना के 311 कंफर्म्ड केसेस अब तक आ चुके हैं, 6 लोगों की मौत यहां पर हुई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 232 है। जहानाबाद जिले से कोरोना के 306 कंफर्म्ड मामले आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई और 246 लोग अब तक ठीक हुए हैं। सारण की बात की जाए तो 303 कंफर्म्ड केसेस सारण जिले से अब तक आए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है और 229 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। औरंगाबाद जिले से कोरोना के
302 मामले आए, एक व्यक्ति की मौत हुई है और 218 लोग अब तक ठीक हुए हैं। भोजपुर जिले से 292 कन्फर्म केसेस अब तक कोरोना के आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हुई है और 223 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। बांका जिले से कोरोना के 288 मामले आए, जिनमें से 235 लोग स्वस्थ हुए हैं। सहरसा जिले से 276 मामले आए, 187 कोरोना पॉजिटिव मरीज इनमें से स्वस्थ हुए हैं। बक्सर जिले से कोरोना के 274 कन्फर्म केसेस अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 224 लोग रिकवर हुए हैं। मधेपुरा जिले से 247 मामले आए, एक व्यक्ति की मौत हुई और 203 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। किशनगंज जिले से 229 मामले आए, 2 लोगों की मौत हुई और 173 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। कैमूर जिले से 219 मामले आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई और 198 लोग अब तक स्वस्थ हो पाए हैं। शेखपुरा जिले की बात की जाए तो 188 कंफर्म्ड केसेस के साथ है शेखपुरा जिला, जिनमें से 152 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। लखीसराय जिले से कोरोना के 169 कंफर्म्ड केसेस अब तक आ चुके हैं, 132 लोग इनमें से स्वस्थ भी हुए हैं। सीतामढ़ी जिले से 168 मामले अब तक कोरोना के आ चुके हैं, 3 की मौत हुई है और 143 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अररिया से 161 मामले आए, 2 की मौत हुई और 122 लोग अब तक ठीक हुए हैं। अरवल जिले की बात की जाए तो 150 कन्फर्म्ड मामले अरवल जिले में हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 113 लोग अब तक स्वस्थ हो पाए हैं। जमुई जिले से कोरोना के 125 कन्फर्म्ड केसेस अब तक आ चुके हैं, 85 लोग इनमें से ठीक हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। शिवहर जिले से कोरोना के 108 कंफर्म्ड केसेस अब तक आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत यहां पर भी हुई है और 91 लोग अब तक ठीक हुए हैं। बिहार के 3800 जिलों से कोरोना के अब तक 14,330 कंफर्म्ड मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि पूरे बिहार में अब तक 14,330 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 111 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम आपको बताते हैं कि किन किन जिलों के ये लोग हैं। पटना जिले से 13 लोगों की मौत अब तक कोरोना के कारण हुई है। सभी जिलों के मुकाबले में पटना जिले में जैसे कंफर्म्ड मामलों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है, तो मौत का आंकड़ा भी यहीं सबसे ज्यादा है। भागलपुर जिले से 8 लोगों की मौत हुई है, बेगूसराय जिले से 4 लोगों की मौत हुई है, मुजफ्फरपुर से 5 लोगों की कोरोना के कारण अब तक मौत हुई है, मधुबनी जिले से 2 लोगों की मौत हुई है, सिवान के 5, मुंगेर के 1, नालंदा के 5, नवादा के 3, समस्तीपुर के 7, रोहतास के 6, दरभंगा के 7, खगड़िया के 3 और कटिहार के 1 व्यक्ति की जान कोरोना की वजह से अब तक गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण और गया के 3-3 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। वैशाली की बात करें तो 4 लोगों की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण से 6 लोगों की मौत कोरोना के कारण अब तक हो चुकी है। जहानाबाद जिले से 3 लोगों की मौत अब तक हुई है। सारण जिले की बात की जाए तो 5 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। औरंगाबाद जिले का 1 व्यक्ति कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुका है। भोजपुर जिले से 3 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। मधेपुरा की बात की जाए तो 1 व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है। किशनगंज और कैमूर जिले से 2-2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। सीतामढ़ी के 3 लोगों की मौत हुई है। अररिया के 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जबकि अरवल, जमुई और शिवहर से 1-1 व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। यानी कि बिहार के 30 जिलों से 111 लोगों ने कोरोना की वजह से अब तक अपनी जान गंवा दी है। 111 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की बात करें, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज सबसे अधिक लोग एक साथ ठीक हुए हैं। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि 459 लोग एक साथ बीते 24 घंटे में ठीक हुए हों, जिसके बाद अब आंकड़ा 10,251 हो चुका है। यानी कि 10,251 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, स्वस्थ हो गए हैं और वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो एक्टिव केसेस बढ़ता ही जा रहा है बिहार में, क्योंकि कंफर्म्ड मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 3,968 एक्टिव केसेस अभी भी पूरे बिहार में है, यानी कि 3,968 ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में कोरोना संक्रमित हैं, इनका इलाज चल रहा है और इनका स्वस्थ होना बाकी है।
तो हमने आपको 10 जुलाई का कोरोना रिपोर्ट कार्ड बताया, हर जिले के बारे में विस्तार से बताया कि कहां कितने ज्यादा मामले बढ़े हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं और कितनों की मौत हुई है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।